ये जानना है, इस कॉलर से तेल नीचे रखना, ठीक है? ये कॉलर डूब जाएगी तो टंकी में गैस मिलेगी, गाड़ी मिसिंग मारेगी। ये तीन फ्यूज जो स्पेयर में दे रखे हैं, अगर आपको किसी चीज़ में दिक्कत आती है, हॉर्न, इंडिकेटर, लाइट वगैरह, तो आप यहाँ से पढ़ के वो फ्यूज चेंज कर सकते हो। ठीक है, चेंज करने से पहले ये चेक कर लेना, जब फ्यूज जुड़ा हुआ होगा तो ये बीच वाली पत्ती क्रैक हो जाएगी, तो समझ लेना फ्यूज जुड़ गया है। ठीक है भाई, और सारा सिस्टम यहाँ पर लिखा हुआ भी है। ठीक है, ये आपकी टूल किट है, ये बैटरी है इसकी। स्पेस अपना बस यही है ना, ये टैंकी 14 लीटर की है, आपको ज़्यादा इसमें 11 या 12 लीटर तेल डालना है। भैया ये ध्यान रखना है, इस कॉलर से तेल नीचे रखना, ठीक है? ये कॉलर डूब जाएगी तो टंकी में गैस मिलेगी, गाड़ी मिसिंग मारेगी। ये अभी ये श्यामपुर पेट्रोल पंप तक पहुँचेगी? हाँ, 2 लीटर को होता है, श्यामपुर ही जाना है। ये रेड वाली लाइट चार्जिंग की है, ठीक है? इसके बाद में ये न्यूट्रल के जो नीचे आ रही है लाइट, ये इंजन की माल फंक्शन लाइट है। स्टार्ट होने के बाद ये भी बंद हो जाएगी, वो भी बंद हो जाएगी। अगर इन दोनों में से कोई सी भी जलती है, अगर येलो वाली जलेगी तो समझ लेना इंजन का कोई सेंसर सही काम नहीं कर रहा है, तो आप शोरूम में आके चेक करवा सकते हो। अगर उधर वाली नहीं जलेगी, रेड वाली, तो समझ लेना बैटरी चार्जिंग नहीं कर रहा है। ये दो लाइट बैटरी चार्जिंग, ठीक है? तो ये इसकी रिजर्व लाइट है, मैक्सिमम तेल इतना रखना ये लाइट बंद रहे, क्योंकि टैंक के अंदर मोटर है, मोटर को ढूंढने के लिए तेल चाहिए होता है। आगे शायद उसको ना,